हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गए। और आज मैं लेके आया हूँ यूनिकॉर्न कलेक्शन का वीडियो गाइस। और आज है गाइस हमारे पास सबसे यूनिक और सबसे अलग चीज गाइस। और आज है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टेशनरी सेट गाइस। और ऐसा सेट गाइस आज तक यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर ने अनबॉक्स नहीं किया है गाइस। और एक है गाइस हमारे पास काफी अमेजिंग सा एक मैजिक सरप्राइजिंग बॉक्स। और एक है गाइस हमारे पास डुअल मैजिक यूनिकॉर्न का सेट गाइस। और कुछ है ज्योमेट्री बॉक्स। और एक है गाइस यूनिकॉर्न का अमेजिंग सा स्टेशनरी सेट गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, फिर मुझे कमेंट करके बताना इन सब में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। और दोस्तों ये भी कमेंट करके बताना आपको ये इलेक्ट्रिक स्टेशनरी सेट कैसा लगा दोस्तों। आप जब भी कमेंट करते हो, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। तो कलेक्शन है गाइस हमारे पास सबसे पहले है गाइस एक इलेक्ट्रिक स्टेशनरी सेट गाइस। ये काफी अमेजिंग है। और इस सेट को दोस्तों मैंने परचेज किया 1500 रुपीज का, यानी 1500 रुपए का स्टेशनरी सेट परचेज किया। और इसके अंदर ये सारी चीजें मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है इलेक्ट्रिक की चीजें हैं। तो चलो निकालता हूँ पन्नी से और दिखाता हूँ दोस्तों हमें किस टाइप की चीजें मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है दोस्तों। तो पन्नी को फाड़ लेते हैं दोस्तों और निकलेगा ये आसानी से। चलो पन्नी फाड़ दिया और निकालते हैं बॉक्स। ये देखो दोस्तों, वाओ बॉक्स तो काफी अमेजिंग लग रहा है। और कुछ ऐसा चीज नहीं लिखा दोस्तों ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी। सब चाइनीज लैंग्वेज में लिखी है तो चाइनीज तो अपने को आती ही नहीं है दोस्तों। तो चलो बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे ऊपर तो देखो यूनिकॉर्न की फोटो छपी है। बॉक्स कैसे ओपन होगा, चलो यार बॉक्स को ओपन भी करते हैं। बॉक्स ओपन हो गया और ये निकालते हैं इसके अंदर से चीजें। और ये देखो, ओ वाओ यार, ये देखो काफी अमेजिंग यार। और ये सबसे ऊपर तो गाइस हमें मिलती है एक यूजर गाइड दोस्तों, जिसमें गाइस सब कुछ दिया हुआ है। पूरी गाइड पे तो दोस्तों चाइनीज लिखे नहीं, चलो दोस्तों इंग्लिश भी लिखी है। चलो अब तो यूज कर ही लेंगे और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलती है। सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, हमें 1 2 3 4 5 चीजें मिलती है। इन पांचों चीजों का यूज देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या मिलता है हमें, ये देखो दोस्तों यूनिकॉर्न का एक काफी अमेजिंग और काफी जबरदस्त सा एक शार्पनर। ये देखो दोस्तों, और वो भी इलेक्ट्रिक वाला शार्पनर दोस्तों, ऑटोमेटिक शार्प करेगा दोस्तों पेंसिल को। देख सकते हो दोस्तों कितनी जबरदस्त क्वालिटी का है दोस्तों ये शार्पनर। चलो एक पेंसिल को शार्प करके देखते हैं। सबसे पहले डालनी पड़ेगी बैटरी, तो बैटरी कंपार्टमेंट है दोस्तों नीचे, इसके अंदर बैटरी डालते हैं और फिर पेंसिल को शार्प करके देखते हैं। और सबसे अच्छी बात है मोड भी दिए हुए हैं कि ये कितने मोड पे चलाना है, हाई पे चलाना है या लो पे चलाना है इस शार्पनर को दोस्तों। तो चलो इसे बाद में यूज करेंगे। और देखते हैं इस सेट में हमें क्या मिलता है। इस सेट में गाइस हमें मिलता है ये क्या है, चलो देखते हैं। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या यार, और इरेजर, वाओ इरेजर मिली है दोस्तों इसके अंदर। और कितनी सारी इरेजर मिली है, और ये इरेजर कहाँ होगी, इस थर्मामीटर में यूज होगी। और सबसे अच्छी बात है ये थर्मामीटर भी दोस्तों इलेक्ट्रिक का है। और ये कैसे यूज होगा, तो चलो इसके अंदर भी दोस्तों हमें सेल यानी बैटरी लगानी पड़ेगी दोस्तों, और डबल ए की बैटरी लगेंगी, और फिर ये चालू होगा और फिर ये इरेज करेगा दोस्तों। इरेजर वाला पेन मिला है, वो भी इलेक्ट्रिक वाला दोस्तों, काफी गजब है। और इरेजर देख सकते हो कितनी सारी इरेजर मिली है इस बॉक्स के अंदर। और क्या मिलता है दोस्तों, चलो और देखते हैं फिर सारी चीजों को यूज करेंगे। तो निकालते हैं दोस्तों बॉक्स से, ये क्या है दोस्तों, ये निकल जा भाई। और ये देखो दोस्तों, अरे वाह, ये देखो दोस्तों हमें मिला एक इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर। ओ वाओ यार, काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त यार, ये तो काफी बढ़िया है। और वैक्यूम क्लीनर कैसे है, तो ये आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो बैटरी दोस्तों कहाँ डलेगी ये भी फटाफट आपको बताऊंगा, और फिर ये यूज करके दिखाऊंगा, और आप देख के ना हैरान होने वाले। और नीचे गाइस हमें ब्रश मिल जाते हैं, चलो इन सबको यूज करते हैं। और क्या मिलता है इसे इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें मिलती है ये पेंसिल। ये देखो दोस्तों, हमें वुडन पेंसिल मिलती है, और वो भी कितने, 1 2 3 4 5 काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों पेंसिल मिल जाती है। और इसके अंदर ये क्या है, ओ वाह, 2 शार्पनर और अलग एक्स्ट्रा मिला हमें। अरे वाह, ये तो काफी अमेजिंग हो गया यार, काफी जबरदस्त। देखो दोस्तों इसके अंदर 2 शार्पनर बिल्कुल अलग मिले इसके लिए दोस्तों। जब गाइस हमारा ये शार्पनर का शार्प खत्म हो जाएगा यानी ब्लेड खराब हो जाएगी, फिर हम इसे अलग चेंज करके दोस्तों लगा सकते हैं इन शार्पनर को दोस्तों। ये काफी गजब है, काफी सुंदर है दोस्तों, और काफी बड़ा शार्पनर मिला यार। और क्या मिला इसके अंदर, ये देखो इसका क्या यूज है वो आगे देखेंगे दोस्तों। और ये देखो एक USB केबल मिली है, ये किस लिए मिली है दोस्तों, ये क्या है, ओ हमारे इस शार्पनर को चार्ज करने के लिए दोस्तों। काफी जबरदस्त यार, काफी अमेजिंग। चलो इन सबको यूज करके दिखाता हूँ 1 by 1, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वैक्यूम क्लीनर ज्यादा अच्छा लगा या आपको शार्पनर अच्छा लगा दोस्तों, या फिर आपको पैन ज्यादा अच्छा लगा। तो चलो 1 by 1 यूज करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों सबसे पहले शार्पनर यूज करके दिखाता हूँ दोस्तों, ऑटोमेटिक शार्पनर कैसे पेंसिल को शार्प करता है। ये है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की काफी अमेजिंग सी
गोल पेंसिल दोस्तों, इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले मोड को हाई कर देते हैं दोस्तों, ये देखो लो मोड है, ये हाई मोड है, और इसके अंदर दोस्तों पेंसिल डालेंगे और फिर देखना दोस्तों, ये देखो ये शार्प होना चालू। देखो दोस्तों ये पेंसिल कैसे शार्प कर रही है, ये देखो अपने आप घूम रही है, और इसे हाई पे करेंगे तो ये देखो हाई, ये देखो अब खाली हमें पेंसिल को पकड़ना है, ये पेंसिल को शार्प करना चालू कर देगी दोस्तों। और ये देखो दोस्तों पेंसिल हो गई शार्प काफी अच्छे तरह से, और भी और सारा कूड़ा गाइस इसका कहाँ आ गया दोस्तों, ये देखो इसका ढक्कन ऐसे खोलेंगे और सारा कूड़ा गाइस हम कलेक्ट करके फिर फेंक देंगे, सारा कूड़ा यहाँ डाल देंगे दोस्तों, देख सकते हो काफी अमेजिंग है। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको ये वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर का क्या काम है, ये दोस्तों हमारे पास वैक्यूम क्लीनर है दोस्तों, और इसका यूज कैसे है वो भी दिखाऊंगा, और बैटरी कहाँ लगती है ये भी आपको दिखाऊंगा। तो ये पुश का बटन है, तो पुश दबाने से दोस्तों ये देखो पुश दबाया तो यहाँ गाइज हमें मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पे गाइज हमने डबल ये बैटरी लगा दी दोस्तों, देख सकते हो, और गाइज फिर सेट कर दिया, और फिर इस तरह घुमाएंगे और सारा कूड़ा इसके अंदर आ जाएगा, वो कैसे अगेन आपको दिखाता हूँ यूज करके। तो चलो ये सारा हमारा कूड़ा है, ये जो भी हमारा पेंसिल का कूड़ा था वो सब यहीं पे रखा हुआ है हमने, देख सकते हो, और फिर हम इन सबको गाइस साफ करेंगे, वो कैसे, तो वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर को बटन को ऑन कर देंगे, और ये देखो कूड़ा है, और देखो खाली कुछ नहीं करेंगे हम, ये देखो ऐसे घुमाएंगे और ये देखो सारा कूड़ा गाइस इस बॉक्स के अंदर आ गया, यानी वैक्यूम क्लीनर के अंदर आ गया, देखो एक भी चीज नहीं है ना दोस्तों इस जगह। तो हम क्या करेंगे अब इसे बंद कर देंगे, अब ढक्कन ओपन करता हूँ, और ये देखो दोस्तों सारा कूड़ा इसके अंदर है, देख सकते हो काफी इजीली से आ गया। अगेन दिखाता हूँ दोस्तों आपको ये करके, तो देखो साफ कर दिया, इसे अच्छे से साफ कर देते, एक भी कूड़ा नहीं आना इसके अंदर, सारा कूड़ा इसके ऊपर है, आगे इसे लगा दिया और ऑन का बटन कर दिया, तो ये देखो सारी चीजें कैसे अब्सॉर्ब कर लेगी सारा कूड़ा, ये देखो सारा कूड़ा इसके अंदर काफी इजीली से, देखो सारा कूड़ा आ गया, और फिर बंद कर देंगे, और यहाँ गई इसमें ब्रश लगे हुए हैं देख सकते हो, और यहाँ से गई वैक्यूम बनता है, और ये देखो दोस्तों ये सारा इसके अंदर कूड़ा आ गया है ना, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग ये वैक्यूम क्लीनर दोस्तों। आपको कैसा लगा दोस्तों वैक्यूम क्लीनर, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूज करके, ये गई हमारा इरेजर सेट, इरेजर सेट कैसे यूज होगा, तो यहाँ ऑन का बटन है दोस्तों, इस बटन को दबाएंगे और ये इरेजर चालू हो जाएगी, देखो घूमना चालू, देखो अभी स्टॉप है तो घूमना चालू, ये देखो दोस्तों है ना काफी इजीली से घूमना, और फिर इरेज करेंगे इस तरह से, इरेज कर देंगे दोस्तों, ये देखो देखो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। और ये था गाइस हमारा इलेक्ट्रिक स्टेशनरी सेट, आपको कैसा लगा दोस्तों इलेक्ट्रिक स्टेशनरी सेट प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये स्टेशनरी सेट अच्छा लगा तो कर देना इस वीडियो को लाइक दोस्तों, एक लाइक तो बनता है इस स्टेशनरी सेट के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाले के लिए। तो चलो साइड रखते हैं सारी चीजों को, अब दिखाता हूँ दोस्तों काफी अमेजिंग सा ये मैजिक गाइस एक सरप्राइजिंग बॉक्स, और इस सरप्राइजिंग बॉक्स में गाइज हमें मिलती है काफी अच्छी चीजें, तो पहले देख सकते हो काफी अच्छा एक हैंडल है जिसे काफी इजीली से कैरी कर सकते हैं दोस्तों इस सरप्राइजिंग बॉक्स को, यहाँ लॉक देख सकते हो एक लॉक है, इस लॉक को ओपन करते हैं और दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ये देखो लॉक ओपन किया और ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर मिलते हैं बर्तन, ये देखो दोस्तों काफी अच्छे, और ये देखो दोस्तों इसके अंदर काफी अच्छा से स्टिकर मिल जाते हैं, काफी सारे स्टिकर मिल जाते हैं जो हम अपने बर्तन पे चिपकाएंगे। बर्तन दिखाता हूँ दोस्तों इसमें क्या क्या मिलता है, तो ये देखो पहले तो हटाते हैं, इसके अंदर गाइस हमें काफी अच्छी सी कढ़ाई मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर, और क्या मिलता है दोस्तों इसमें, ये देखो दोस्तों एक काफी अच्छा सा गाइस हमें क्या मिल गया, मग मिल गया, और ये देखो दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, और ये क्या चीज है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और एक गाइस हमें मिल जाता है पैन, ये देखो दोस्तों पैन मिल जाता है काफी सुंदर था और काफी अच्छा था पैन मिल गया, देख सकते हो दोस्तों है ना काफी सुंदर पैन, और क्या मिलता है इसके अंदर, ये देखो ओह वाओ काफी सुंदर काफी अमेजिंग यार, ये क्या है, ये है गाइस रोटी रखने वाली या सब्जी रखने वाला सेट, पता नहीं क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना। दो सेट मिलते हैं गाइस, और गाइस हमें एक दो तीन चार पांच पांच तरह का गाइस इसमें गाइस चम्मच मिल जाते हैं, एक देख सकते हो चम्मच की क्वालिटी कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग है दोस्तों, ये देख सकते हो, और टोटल हमें पांच चम्मच मिलते हैं, और देखो चम्मचों की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग कितनी सुपर्ब है काफी जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है इन बर्तन को यूज करने के बाद हम इसमें गाइस स्टडी मटेरियल या कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं, इसकी गहराई काफी अच्छी है आप देख सकते हो, और सबसे अच्छी बात इसका कलर काफी अमेजिंग है इस बॉक्स का, देख सकते हो काफी डिजाइनदार है काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है दोस्तों, मुझे तो काफी पसंद आया दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सरप्राइजिंग बॉक्स दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये काफी अमेजिंग और काफी सुंदर सा दोस्तों डबल मैजिक यूनिकॉर्न सेट दोस्तों, और ये गाइस ऐसी ड्राइंग है ना जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी, इसमें डुअल मैजिक है, वो कैसे निकालता हूं, तो ये देखो दोस्तों
ये देखो, पहले तो हमें इसमें पेपर्स मिल जाते हैं, वो भी गाइस प्लास्टिक के हैं। गाइस ये देखो, पेपर प्लास्टिक के, काफी अमेजिंग है, ब्लैक कलर के पेपर्स मिल जाते हैं। और ये देखो एक पाउच है लास्ट में, इस पाउच में गाइस हमें मिलते हैं ये देखो कलर्स, ये देखो कलर्स मिलते हैं। साथ में गाइस हमें दो मिलते हैं गाइस क्लीनिंग पेपर, दोस्तों काफी अमेजिंग क्लीनिंग पेपर मिल जाते हैं दोस्तों। और इसके अंदर ये देखो कलर्स मिल जाते हैं, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग है। और इसमें एक कलर को यूज करके दिखाता हूँ, फिर ये यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज होगा। पहले मैजिक देखो, हमने लिखा VVK लिख लिया, काफी अच्छे से लिख गया। हम इसे हाथ से भी मिटा सकते हैं और गाइस इसे इस तरह से भी मिटा सकते हैं इसके वैक्यूम क्लीनर से, दोस्तों वैक्यूम क्लीनर से दोस्तों, नहीं क्लीनिंग पेपर से दोस्तों। तो अभी जैसे हमने तो जल्दी मिटा दिया, अगर लेट मिटाते हो तो हम पेपर का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे मैं कुछ बना लेता हूँ तो झंडा बनाते हैं दोस्तों, ये देखो झंडा बना दिया मैंने, झंडा तो गलत बना दिया ना मैंने, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, इसे मिटाते हैं। इसे मिटाने के लिए दोस्तों हमें मिलता है इसे क्लीनिंग पेपर दोस्तों, ये देखो ये पेपर है, इसे निकाला और ये देखो दोस्तों इसे मिटाएंगे, देखो कितने ईजिली से और कितने अच्छे से मिट गया दोस्तों। हम इसे वर्क कर सकते हैं और टोटल हमें इसके अंदर कितने पेपर मिलते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। चलो दिखाता हूँ इसके अंदर, एक पहले तो लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 मिल जाते हैं दोस्तों इसमें पेपर। और सारे पेपर पे हम काफ़ी सारे वर्क कर सकते हैं। ये तो ऑरेंज कलर से दिखाया था, ग्रीन कलर से चला के दिखाता हूँ ग्रीन कलर से कैसा। तो कुछ लिखते हैं तो विवेक लिखते हैं दोस्तों ग्रीन कलर से, ये देखो दोस्तों मैंने विवेक लिख दिया। और फिर हम इस पेपर का हमारा ये रहा पेपर, पेपर से हम काफ़ी इजीली से मिटा देंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छे से मिटा भी दिया, देख सकते हो काफ़ी इजीली से मिट भी गया दोस्तों। तो आपको ये डुअल मैजिक बुक कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें जो हमें स्केच कलर मिले ना वो काफ़ी अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है हम इनके पॉकेट में कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का सेट, और ये ऐसा सेट है जिसमें गाइस हमें एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार चीज़ें मिलती हैं। चलो निकालता हूँ बॉक्स से, और सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसमें गाइस हमें मिलता है यूनिकॉर्न की तरफ से एक काफ़ी अमेजिंग सा एक पेन, ये देखो एक यूनिकॉर्न वाला पेन मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त। फर देखो दोस्तों, फर लगे हैं जिससे गाइस हम पेन से लिखेंगे ना तो हमारी उंगलियाँ दर्द नहीं होंगी दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसमें कितने रिफिल मिलते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिफिल मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात है। जो एक रिफिल को चलाते हैं, चलाने में देखो दोस्तों मेरे हाथ कितना जबरदस्त लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। और क्या मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर गाइज हमें मिलते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से, ये देखो दोस्तों ये क्या है, यूनिकॉर्न की एक डायरी दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त। और ये डायरी के पेजेस देखो दोस्तों कितने अमेजिंग, कितने सुंदर है यार, काफ़ी ज़बरदस्त पेजेस मिल जाते हैं दोस्तों, और काफ़ी सारे पेज भी मिल जाते हैं इस डायरी में। और डायरी पर दोस्तों आगे पीछे पूरे फर लगे हैं जो काफ़ी मुलायम लग रहा है इस डायरी को पकड़ने में। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइज हमें मिलती है एक पाउच दोस्तों यूनिकॉर्न की तरफ से, देख सकते हो एक पाउच मिलता है। किचन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है, और फर वाले गाइस पाउच है, काफी सुंदर है, काफी सॉफ्ट है दोस्तों ये पाउच, काफी सुंदर पाउच मिल गया इस सेट में, तीनों चीज काफी अच्छी थी। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी अमेजिंग है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इसमें ढक्कन ओपन करते हैं, और फ्रंट में गाइस हमें तो दो शार्पनर मिल जाता है, देख सकते हो इसे लॉक ओपन करेंगे और ये देखो दो शार्पनर मिल जाते हैं काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही गाइस इसमें एक पॉकेट मिलता है जिसमें गाइस हम क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं, और गाइस इसके अंदर गाइस हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, बाकी स्पेस काफी जबरदस्त है, इसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, और दोस्तों हमारे पेंसिल को लॉक करने का काफी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। चलो इसे बात बंद करते हैं, बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, बैक साइड में भी दोस्तों काफी अमेजिंग, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो आपको यूनिकॉर्न की मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारी सी दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स, और इसके अंदर थर्माकोल बॉल्स लगे हुए हैं, काफी अमेजिंग है दोस्तों। और फ्रंट में गाइस हमें एक बटन मिलता है, इस बटन से दोस्तों हमें मिलता है शार्पनर कंपार्टमेंट, ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, शार्पनर की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी सुपर है। और देखो दोस्तों इसमें गाइस हमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, ढक्कन मिलता है, इसे ढक्कन को ओपन करते ही ये देखो कंपार्टमेंट मिला, काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों, इसमें हम अपना छोटी छोटी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही गाइस इसके अंदर ये देखो, ओ वाओ काफी अमेजिंग, ये देखो इसका ढक्कन कितना जबरदस्त है, और इसमें गाइस हमें मिलता है पेंसिल लॉक, और पेंसिल लॉक की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है, देख सकते हो दोस्तों। और कितने पेंसिल लॉक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक है, काफी अच्छा स्पेस है, देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त। चलो बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड को ढक्कन को ओपन किया,
तो ये देखो दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें ग्लिटर भरा है दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। लॉक देखो दोस्तों कितना बड़ा लॉक है, इस लॉक को ओपन करेंगे तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक, ये देखो एक कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, काफी अच्छा है और काफी गहरा कंपार्टमेंट है दोस्तों। एक और कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों नीचे, ये देखो, और इधर देखो दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है दोस्तों। काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी मोटी ज्योमेट्री बॉक्स है और काफी अच्छी और गुड लुकिंग ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की बॉटल वाली ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर बॉटल वाली ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस, और इसमें गाइस हमें ग्लिटर मिलता है ये देख सकते हो, जो काफी खूबसूरत बनाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स को, ये देखो है ना काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। जब भी हम इसे इस तरह खड़े करेंगे तो सारे ग्लिटर नीचे आने लगेंगे दोस्तों, जब उल्टा करेंगे तो फिर सारे ग्लिटर नीचे जाने लगेंगे दोस्तों। चलो ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं इसमें कितना स्पेस है। ओपन करते ही गाइस हमें इसमें काफी अच्छा इंटरफेस मिलता है, एक वाइट बोर्ड मिलता है गाइस, और इन ढक्कन को खोलने के लिए दोस्तों हमें लॉक भी मिलता है। तो ये देखो लॉक से गाइस इस ढक्कन को ओपन किया, इसमें काफी अच्छा स्पेस है जिसमें गाइस हमें दो दो मार्कर मिलते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग। हर ज्योमेट्री बॉक्स में एक मार्कर मिलता है बट हमें इस बॉटल वाली ज्योमेट्री बॉक्स में दो मार्कर मिले दोस्तों। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, इसे भी गाइस खोलने के लिए हमें लॉक मिलता है, इस लॉक को ओपन करें तो गाइस इसके अंदर ये देखो दोस्तों इसके अंदर क्या मिला, इसके अंदर तो गाइस हमें कैलकुलेटर मिल गया, ओ वाओ काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। और ये देखो दोस्तों कितना डिफरेंट कैलकुलेटर है, काफी अमेजिंग और काफी स्मूथ भी वर्क कर रहा है दोस्तों, ओहो काफी जबरदस्त। और ये क्या दोस्तों इसमें एक मिरर भी मिल गया यार, काफी सुंदर मिरर मिल गया दोस्तों। और देखो दोस्तों नीचे काफी अच्छा स्पेस भी मिल गया कंपार्टमेंट में जिसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो आपको बॉटल वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न की जंबो पेंसिल, ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी पेंसिल है, इस बॉक्स से भी बड़ी पेंसिल है देख सकते हो, काफी अमेजिंग है। और गाइस इसे शार्प करने के लिए दोस्तों हमें मिलता है इसके पीछे एक बड़ा शार्पनर दोस्तों, देख सकते हो कितना बड़ा शार्पनर है। इसमें गाइस हम पेंसिल डालेंगे और फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और देख सकते हो ये यूनिकॉर्न की पेंसिल है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। जब मैं इसे लिख रहा हूँ ना तो काफी अमेजिंग लग रहा है, काफी जबरदस्त है। और इस पेंसिल को दोस्तों मैंने 60 रुपए की परचेज करी है। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का ये पेन, देख सकते हो काफी अमेजिंग है। और इसके पीछे गाइस हमें यूनिकॉर्न की फोटो मिल जाती है, बट इससे पहले जो पेन था ना उसमें कोई भी इमेज नहीं थी दोस्तों उस पेन के पीछे। तो आपको दिखाता हूँ पेन कहाँ है, तो ये देखो ये था सिंपल पेन, ये है यूनिकॉर्न का पेन। तो सकते हो दोस्तों आपको इन दोनों पेन में से सबसे अच्छा पेन कौन सा लग रहा है दोस्तों, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का एक लाइट वाला पेन दोस्तों, ये देखो कितना जबरदस्त है। लाइट जलाने के बाद यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, इस ऑन ऑफ का बटन को ऑन करने के बाद लाइट देखो कितनी जबरदस्त है। और ये देखो दोस्तों पेन, और इस पेन से जब मैं लिख रहा हूँ ना तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है पेन, काफी अमेजिंग है पेन, काफी जबरदस्त भी चल रहा है। आगे की निब देखो दोस्तों कितनी पतली है। चलो इसे बंद करते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको पॉपिट, ये देखो यूनिकॉर्न का पॉपिट है, काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और ये पेन, ये देखो यूनिकॉर्न का पेन है, काफी जबरदस्त है। और क्या है गाइस हमारे पास, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का 10 रिफिल वाला दोस्तों पेन, ये देख सकते हो इस पेन में गाइस हमें 10 रिफिल मिलते हैं, सारे अलग अलग कलर के रिफिल मिलते हैं और काफी मोटा पेन है दोस्तों, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। ये देख सकते हो यूज करें तो ये देखो अलग अलग कलर के गाइस हमें मिलते हैं। और इस रिफिल को बंद करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ऊपर गाइस यूनिकॉर्न के सर को दबाएंगे और फिर रिफिल बंद हो जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त। इसे 40 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, नेक्स्ट क्या इन दोनों चीज दिखाता हूँ, तो ये देखो दोस्तों हमारे पास एक ग्लिटर वाला दोस्तों पेन है यूनिकॉर्न का, ये भी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है देख सकते हो। चलो चलाते हैं और दिखाता हूँ, ये देखो ये जेल पेन है दोस्तों, काफी खूबसूरत है और इसके अंदर जो ग्लिटर भरा है ना ये काफी खूबसूरत भरा है। और क्या मिलता है इसमें, और है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का दोस्तों एक काफी जबरदस्त इरेजर सेट दोस्तों। और इरेजर कैसे ये भी दिखाता हूँ दोस्तों आपको, तो निकालते हैं पन्नी से और दिखाता हूँ ये इरेजर, ये देखो दोस्तों ये इरेजर है दोस्तों, देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी मोटी इरेजर पेन लुक में दोस्तों, देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त। इसे मैंने 30 रुपीज का परचेज किया और इसके साथ गाइस हमें एक फ्री में भी इरेजर मिलती है दोस्तों, काफी सुंदर है। तो आज का था ये कलेक्शन, आज के कलेक्शन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अच्छा लगा तो कर देना वीडियो लाइक दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।